रोजाना राशिफल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार मित्रों, मित्रों कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। मित्रों आज हम बात करने वाले हैं शनिवार 10 जुलाई आपका दैनिक राशिफल। यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है, आपके ऊपर ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगी, चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। चलिए दैनिक राशिफल की शुरुआत करती हैं आज के पंचांग से। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बन रही है। सुबह के 6:46 तक रहने वाला है और इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगी पुनर्वसु नक्षत्र। यह रात्रि के 1:02 तक रहने वाला है और इसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। योग रहेगी व्याघात योग। यह शाम के 4:49 तक रहने वाला है और इसके उपरांत हर्षण योग आरंभ हो जाएगी। आज का सूर्य उदय का समय सुबह के 5:52 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। सूर्य राशि रहेगा मिथुन राशि पर और चंद्रमा आज मिथुन राशि इसके उपरांत कर्क राशि पर गोचर करने वाली है, जो कि ठीक शाम के 6:38 तक रहने वाला है। अर्थात आज के दिन का शुभ समय दोपहर 12:05 से लेकर ठीक 12:58 तक रहने वाला है। यह समय में शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल कर सकती है। और आज का राहु काल का समय रहेगा ठीक सुबह के 9:12 से लेकर ठीक 10:52 तक रहने वाला है। राहु काल के समय किसी भी तरह के नए और सुमंगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक, आज हम आपको बताना चाहेंगे आज के दिन अनजान लोगों की वजह से आपको नुकसान हो सकता है और आप अपने सभी कार्य समय पर पूरे कर पाएंगे और यह समय दफ्तर में किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। साथ ही आपको किसी बीमारी से परेशान होना पड़ सकता है और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। हम आपको बताना चाहेंगे आपकी परेशानी के चलते परिजनों से दिक्कत हो सकती है और आज ज़्यादा खर्च भी आपका हो सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे खान पान पर नियंत्रण रखें और आज आप किसी कार्य में निवेश कर सकती हैं और जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उचित समय निकालें और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही लंबे समय से चली आ रही किसी चिंताओं से भी आपको राहत मिलेगी और आराम से रहकर आप सभी आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। निगेटिव, छोटी सी बात के कारण किसी से वाद विवाद हो सकता है। कुछ लोग ईर्ष्या की भावनाओं के कारण ऐसा वातावरण बनाएंगे। आलस्य और लापरवाही को अपने ऊपर हावी मत होने दें और कठिनाइयों के मामले में घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद ले सकते हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार में परिस्थितियाँ आपकी अनुकूल रहेगी, लेकिन अपनी योजनाओं को किसी और के साथ साझा न करें। कोई आपकी नीतियों को अपनाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है और इस समय अपने आदि संबंधित कार्यों में केवल कन्फर्म बिलों का ही प्रयोग करें। लव लाइफ को लेकर बात करें तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और पुरानी दिक्कतें दूर होंगी। हम आपको बताना चाहेंगे आपको किसी रिश्तेदार के घर जाने का निमंत्रण भी मिल सकता है और सेहत को लेकर अगर बात करें स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। सिर्फ मौसम की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है, लेकिन
चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दिनचर्या पर व्यवस्थित रखें। दोस्तों, अगर इन सभी बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव अवश्य लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।